हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्री ड्रॉ करना सिखाने जा रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स आपको लैंडस्केप ड्रॉ करते समय काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्री आपको, इसमें स्टूडेंट्स आपको सिर्फ पेंसिल को रब करना होता है। नीचे की तरफ आपको पेंसिल को खींचते हुए लेके आना है। आपको पेंसिल कहीं प्रेस करना है, कहीं आपको उसे लाइट रखना है। इसमें जो स्टूडेंट्स ट्री का जो शेप होता है, वो आपको इसका एंगल डायगोनल रखना होता है। ये ट्रायंगल की शेप में ट्री ड्रॉ करना होता है। इसमें स्टूडेंट्स कहीं कहीं आपको लाइट रखेंगे, कहीं कहीं हम इसे डार्क करते जाएंगे। कहीं आप पेंसिल को प्रेस करेंगे, कहीं उसको लाइट प्रेस करके नीचे की तरफ लेते आएंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपनी पेंसिल को रब करते रहें, और जो सेंटर एरिया है स्टूडेंट्स, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा डार्क रखना होता है। स्टूडेंट्स, ट्री का साइज़ आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, एंड स्टूडेंट नीचे का जो ये एरिया है, इसे आप किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नीचे के इस एरिया में आप इस तरह से आप ग्रास दिखा सकते हैं। सेकेंडरी स्टूडेंट्स, आप एक लाइन ड्रॉ करें। इसमें स्टूडेंट्स आप किसी भी एंगल में ब्रांचेस निकाल सकते हैं। ट्री में स्टूडेंट्स नीचे का जो एरिया होता है, वो आपको थोड़ा बोल्ड रखना होता है। स्टूडेंट्स, इस ट्री में आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में पेंसिल को रब कर सकते हैं। कभी आप अपर साइड, कभी डाउन साइड, कभी लेफ्ट, कभी राइट, इस तरह से आप अपनी पेंसिल को रब कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स कहीं कहीं पर आपको पेंसिल को लाइट रखना है, और कहीं कहीं पे डार्क रखना है। लाइट डार्क रखने के लिए स्टूडेंट्स आप पेंसिल को कहीं प्रेस कर सकते हैं, कहीं उसे आप लाइट चला सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, नीचे के इस एरिया में हम सेम पहले की तरह ग्रास दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ट्री स्टूडेंट्स, इसमें भी स्टूडेंट्स नीचे का जो आपका ट्री का एरिया होता है, वो हम बोल्ड रखते हैं थोड़ा, और सेंटर वाला एरिया जो होता है, वो हम वी शेप ड्रॉ करनी होती है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस इस तरह से निकाल सकते हैं। इस एरिया में हम हल्का हल्का शेडिंग इस तरह से दिखा सकते हैं। नीचे सेम आप पहले की तरह ग्रास दिखा सकते हैं। इस ट्री में स्टूडेंट्स आपको, जैसे हम अल्फाबेट सी लिखते हैं, वैसे आपको पेंसिल को सी की शेप में चलाना होता है। पेंसिल को हमें उठाना है, फिर उसे चलाना है, कहीं हमें लाइट रखना है, कहीं हमें पेंसिल को प्रेस करके डार्क करना है। ट्री स्टूडेंट्स आपकी ब्रांचेस पे डिपेंड करता है। जिस तरह की आप ब्रांचेस ड्रॉ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्री ड्रॉ होता है। नेक्स्ट ट्री स्टूडेंट्स, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और हम सेम स्टूडेंट्स पहले की तरह इसमें सी ड्रॉ करेंगे। बट स्टूडेंट, इसमें लेफ्ट साइड वाले एरिया में आपको उल्टा सी ड्रॉ करना है, और राइट साइड एरिया में आपको सीधा सी ड्रॉ करना है। इसमें भी स्टूडेंट्स आपको जो इस ट्री का एंगल है, वो डायगोनल रखना है। स्टूडेंट्स, ट्री के बीच के एरिया को डार्क दिखाने के लिए आप सी को डबल कर दें, ताकि सेंटर वाला एरिया आपका डार्क शो होने लगे। ट्री का साइज आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नीचे से आप इस ट्री को भी सेम पहले की तरह बोल्ड कर दें, और नीचे ग्रास इस तरह से दिखा दें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसे भी नीचे से हम ट्री के एरिया को बोल्ड कर देंगे। इस ट्री में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस ट्री में आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं, ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स इस तरह से आप लगाएंगे। पेंसिल को रखना है,
उसको स्ट्रोक्स लगाना है, उसको नीचे की तरफ खींचना है। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो स्ट्रोक्स हैं वो हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करके भी चलाएंगे ताकि बीच के जो एरिया हैं वो आपके डार्क शो होने लग जाएं। इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करके वी की शेप बीच में ड्रॉ किया और नीचे से हम ट्री को बोल्ड करेंगे और सेम पहले की तरह ग्रास ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम बीच में इसको डार्क थोड़ा सा शेडिंग करके कर सकते हैं। ये ट्री स्टूडेंट्स हम नॉर्मली छोटे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो इसी टाइप के ट्री ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये आपको सी की तरह, कहीं बड़ा सी कहीं छोटा सी, इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप में आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। बस इसका एंगल इस तरह से होता है। इसमें स्टूडेंट्स जो पेंसिल है आपकी, आपको पहले की तरह सेम रब करनी है, कहीं आपको ऊपर की तरफ कहीं नीचे की तरफ। इसमें आप सी की तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, सी की शेप भी आप इसमें चला सकते हैं। बस क्या होता है स्टूडेंट, इसमें आपको ट्री को बीच के जो एरिए हैं ट्री के वो आपको फील करने होते हैं। कहीं आपको पेंसिल लाइट चलानी होती है, कहीं आपको प्रेस करके डार्क चलानी होती है। ट्री का जो ये नीचे का एरिया होता है, यहां हमें थोड़ा सा डार्क दिखाना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है और ऊपर से इसे इस तरह से ड्रॉ करते हुए नीचे बॉल रखना है, सेम पहले की तरह ग्रास। इसमें स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरह से स्ट्रोक लगाने होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ये आपको इस एरिया में बस आपको इस तरह से स्ट्रोक्स लगाने हैं। आपको एक पॉइंट रखना है, उस पॉइंट पे पेंसिल को रखना है, स्ट्रोक लगाना है, कुछ लेफ्ट साइड, कुछ अप ऊपर की साइड, कुछ राइट साइड, सेम इस तरह से। बस एक पॉइंट आपको रखना है, उस पॉइंट पे पेंसिल को रखना है आपको और स्ट्रोक लगाते रहना है। ये इस तरह से आप ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें सेम वैसे ही नीचे से बोल्ड कर देंगे। इस ट्री में स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको पेंसिल को रखना है, प्रेस करके इस तरह से स्ट्रोक लगाना है, फिर आप पहले वाली ट्री की तरह सेम स्ट्रोक लगाएं। ट्री में स्टूडेंट्स ऊपर की साइड आपको क्या करना है, पहले की तरह सेम ऐसे आपको स्ट्रोक लगाने हैं, फिर इसके बाद इसमें आपको पेंसिल को रखना है, नीचे की तरफ स्ट्रोक लगाना है, रखना है स्ट्रोक लगाना है, रखना है स्ट्रोक लगाना है। बस सेम इसी तरह से पेंसिल को रखा, थोड़ा प्रेस किया, स्ट्रोक लगाया। राइट साइड में भी सेम आपको इस तरह से रखना है, स्ट्रोक लगाना है। स्टूडेंट्स ऊपर की साइड आपको डाउन से अप इस तरह से स्ट्रोक लगाने होते हैं, डाउन से अप स्ट्रोक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेम पहले की तरह इस तरह से आप ये ड्रॉ करें नीचे से बोल्ड करके। इसमें आप इस तरह से थोड़ा प्रेस करके स्ट्रोक लगाएं। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको ऐसे स्ट्रोक्स लगाने हैं, अप डाउन जिगजैग करके फील करना है।
इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये लाइनिंग आपकी सेम रहेगी पहले की तरह, बस इसमें पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। इसमें आपको ऐसे रिवर्स में लेके जाना है। ड्रॉ किया नीचे की तरफ, फिर रिवर्स लिया, ड्रॉ किया रिवर्स लिया नीचे, फिर रिवर्स। देखिए इस तरह से लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। नीचे की तरफ आपको पेंसिल को लेके जाना है, फिर रिवर्स ले जाना है। आपकी पेंसिल ऊपर की तरफ नहीं उठेगी, बस पेंसिल को रखना है, नीचे की तरफ लेके जाना है, फिर वापस उसको रिवर्स लेके जाना है। इस तरह से आप ये ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको मैंने 9 टाइप के ट्री ड्रॉ करने सिखाए हैं। स्टूडेंट्स, और भी काफ़ी तरह के ट्रीज होते हैं जो आप इसी टेक्निक से ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।